तो यहाँ पे आर ए आर ओ सी जो है हमें हेल्प आउट करता है टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट उन्होंने कितना गिवन लेवल का रिस्क लिया और उसके अगेंस्ट व्हाट द रिटर्न दे हैव एबल टू जनरेट क्योंकि हमें खाली रिटर्न की बात करें तो ये भी हो सकता है कि एक मैनेजर बहुत ही ज्यादा रिस्क ले ले और रिटर्न उसका अच्छा आ जाए लेकिन उसने पूरे बैंक की हो सकता है पोजीशन को एड टेक कर दिया हो तो हमें गिवन रिस्क पर यह बेस करना होता है तो इसके लिए वट वी कैन डू इज वी क्व हैल मैनेजर्स और वी कुड हैव बिजनेस यूनिट्स तो हम कहें कि बिजनेस यूनिट वाइज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या आया जिससे फिर आपको उस एग्जैकटिव को इवेल्यूएट करना गेज करना आसान हो जाएगा इवन दो दिस इज प्रैक्टिस बाय सम मैंक्स मईरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस यूनिट्स थ्रू प्रॉफिट क्या आप खाली प्रॉफिट्स की बात कर लेंगे जी इस यूनिट ने कितना प्रॉफिट कमाया लेकिन वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि मे बी दे कुड हैव टेकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क टू गेट द प्रॉफिट तो वो हमारा डिजायर नहीं है वी वॉन्ट टू हैव गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा दैट इज द ट्रू परफॉर्मेंस तो वो हम गेज करना चाहते हैं जिसमें हमें ये आर ए आर ओ सी जो है हमें हेल्प आउट करता है और इस तरह अगर हमारे पास यूनिट्स का स्ट्रक्चर आ जाए तो हम एक ओवरऑल बिजनेस की भी अपने यूनिट्स की प्रॉफिटेबिलिटी और पूरे रिस्क एपिटाइट की बेस पे कितना रिटर्न कमाया है, वो हम इजीली गेज कर सकते हैं वन वे इन विच आर डायरेक्टली सिंप्लीफाइज द परफॉर्मेंस इज बाय इनकोऑपरेटिंग रिस्क एंड द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स के बिजनेस यूनिट्स ने जो प्राइसिंग की है जो प्रोडक्ट किए हैं क्योंकि हमने कहा था ये मेनली बैंक्स में है तो जो जो प्रोडक्ट दे रहा है जिस यूनिट में उसने कितना रिस्क लेके कितना कमाया ये आर ओ ए सी उसमें करके हमें बहुत हेल्प आउट करता है तो देखिए प्रोफाइल रिस्क बेस्ड यूनिट के इस बिजनेस यूनिट ने इतना रिस्क लिया और उस पर इतना रिटर्न कमाया तो वो ओवरऑल बिजनेस की रिस्क कैपिटाइट और रिटर्न जो हैं वहाँ से गेज हो जाते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर ओ इक्वेजन हमने आपको इफ यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला सो वी सेड के इट्स बेस्ड ऑन revenue when we say revenue in case of banks the revenue is not the amount which you are getting back aapne loan diya loan ke paise wapas aa rahe hain wo revenue nahi hai jo us pe aap markup le rahe hain jo interest le rahe hain that is your revenue so we take into account the revenues और उसके जो annualized return आप उस पर कमाते हैं that could be even फाइव परसेंट टेन परसेंट वट जो भी आपने लेंडर के साथ एग्री किया है दैट इज योर कॉस्ट इज सिमिलर जो उसमें आपने बॉरअर को दी जो आपका जिसने पैसे आपके पास रखवाए हैं बैंक में उसको जो दे रहे हैं वो आपकी कॉस्ट है या आपकी एडमिन कॉस्ट है फिर एक उसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था दैट वॉज एक्सपेक्टेड लॉस ये हम थोड़ा सा ट्रेगनिंग है एक्सपेक्टेड लॉस कितना है वो भी हमने उसमें से लेस करना है इन ऑर्डर टू गेट द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज द प्रडिक्टेड लॉस ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के एवरेजिस की बेस पर कितना हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है दिस इज़ द रिस्क ऑफ लॉस एंड इज़ एक्चुअली रिकवर फ्रॉम बॉर्वर एज रिस्क प्रीमियम ये हमने बॉर्वर से ही लेना है क्योंकि इसके क्योंकि उन्हीं में से किसी ने कुछ डिफॉल्ट होने हैं कुछ नए डिलेज आने हैं तो दैट इज़ बींग टेकन केयर इन द फॉर्मूला इस एक्सपेक्टेड लॉस को हम कैसे निकाल सकते हैं दैट इज पी डी इंटू एल जी डी इंटू ई ए डी ये घबराना नहीं अभी हमें सारी इनकी बात करेंगे वट आर दे एंड हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड लॉस ई फॉर एक्सपोयर एट डिफॉल्ट विच टू बैंक एट अ पॉसिबल डिफॉल्ट कि हमारे पोर्टफोलियो में से कितनी अमाउंट है जिसका डिफॉल्ट की अमाउंट है यानी कि पॉसिबल डिफॉल्ट हो सकती है दैट इज एक्सपोयर एट डिफॉल्ट दैट अमाउंट दैट इज बिंग देयर विच इज एट डिफॉल्ट तो ये हमारे अगर हम फॉर्मूला वापस जाएं

चेंज हो रही होती है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स एंड सेंटीमेंट टू असर्टन द चानस ऑफ पर्टिकुलर डिफॉल्टर इंटरनल रेटिंग सिस्टम हम कहते हैं कि ये ए कैटेगरी का वारोरा ये बी है फिर इसी तरह हम उसके साथ परसेंटेज भी असाइन कर देते हैं तो यूजली जब फिफ्टी परसेंट से ज्यादा हो जाता है प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देस अ रिस्की एरिया एंड लास्टली द एल जी डी और द लॉस गि द डिफॉल्ट इज द फ्रैक्शनल लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट इट्स नॉर्मली द वन माइनस द रिकवरी परसेंटेज डिफॉल्ट का भी मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो आपने सौ का लोन दिया तो सारे ही पैसे नहीं आएंगे कई दफ़ा होता है उसमें से सिक्सटी परसेंट आ जाते हैं कई दफ़ा फिफ्टी परसेंट आ जाते हैं तो आपको जो एक्चुअली लॉस इम्पैक्ट आता है दैट इज वन माइनस द रिकवरी रेट वट इज बींग गेज तो ये तीनों एलिमेंट हमारे जब कंबाइन कर लेते हैं तो दैट लीड्स अस टू द स्लाइड ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस तो दिस इज हाउ इट इज़ बींग कैलकुलेटेड तो यह हमें हमें हेल्प आउट हो जाती है टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैनेजर एट द सेम टाइम वी कैन कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ द कंपिटल विच इज इम्प्लाइड बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स थैंक यू